अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट न्यूज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे साल 2019 में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के बारे में। साल 2019 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा और पाकिस्तान टीम ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम वीडियो सबसे पहले देख सकें। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए रवां बरस अच्छा साबित हुआ। पाक सरजमीन पर कई सीरीज हुई और टीमों ने सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। 2019 की इब्तदा में पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के 8 मैचेस हुए। तमाम मैचेस की मेजबानी कामयाबी से नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची ने की। साबिक कैंगरोज फास्ट बॉलर शेन वाटसन, वेस्ट इंडीज आल राउंडर कैरन पोलार्ड, साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान डैरन समी, बरतानवी आल राउंडर क्रिस जॉर्डन समेत सरफहरिस्त गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान का दौरा किया। सितंबर अक्टूबर में श्रीलंका की टीम ने वनडे और टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। कराची में होने वाली वनडे सीरीज पाकिस्तान ने 2-0 से जीत ली थी। लाहौर में होने वाली टी20 सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त हुई। इसके बाद दिसंबर में श्रीलंका की टेस्ट टीम भी पाकिस्तान आई और रावलपिंडी और कराची में 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट बहाल होने का सिलसिला 2020 में भी जारी रहेगा। जनवरी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा करना है और इसके बाद पूरी PSL पाकिस्तान में होगी और तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान आने पर रजामंद हैं। PSL के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि 2019 की तरह 2020 भी पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए अच्छा साल साबित होगा। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।